वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग जोन। व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे NTPA नेशनल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी के मतलब। जो जॉब्स आई हैं उसमें तकरीबन 3600 प्लस जॉब्स आई हैं, उसके मतलब आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चले जी, ये आप लोग जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं इसकी तरफ जाते हैं। आपने गूगल पे लिखना है जॉब्स 24PK, तो जो पहला लिखा है कि इसको जब ओपन करेंगे तो जी ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जी ये सेकंड नंबर पे जॉब है 3600 प्लस जॉब इन NTPA, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जॉब बेसिकली जो सी है ये एक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। और साथ में ये एडवर्टाइजमेंट भी है, ठीक है। तो जी कौन कौन सी बेसिकली जॉब्स हैं, ये बेसिकली 9 दिसंबर 2019 में अनाउंस हुई है। पोस्ट है जी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की, रेजिडेंट इंस्पेक्टर की, टेस्ट सुपरवाइजर की, इन्विजिलेटर की, डेटा इंटरप्रेटर, ठीक है, इनकी जॉब्स हैं, ठीक है। और जी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिट करवाने की वो है 3rd January 2020। मेल और फीमेल दोनों ही जी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बेसिकली 35 पोस्ट हैं, रेजिडेंट इंस्पेक्टर की 10 है इन ईच डिस्ट्रिक्ट, टेस्ट सुपरवाइजर की 59 ईच डिस्ट्रिक्ट, इन्विजिलेटर की 99 ईच डिस्ट्रिक्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की 80 है इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर आपने मास्टर किया है या बैचलर किया है, FAFS यानी कि इंटर या इंटर से ऊपर है, तो आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने www.nta.org.pk, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाना है और वहां से फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने अपना चलान फॉर्म को फिल करना है और फीस सबमिट करवानी है, उसके बाद इनके पते पर भेज देना है। इनका पता जी है नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी, PHA flat F7 street 97 block E 12 G11/3 इस्लामाबाद, ठीक है। तो जी ये थी आज की जॉब रिलेटेड टू NTPA। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।